सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। एक्सपायरी के लिए मेरे क्या व्यूज रहेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या रहेगा, आज क्या क्या हुआ है मार्केट में और आगे आने वाले सेशंस में और क्या क्या हो सकता है, इन सब के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो भी लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और इस चैनल के ऊपर अभी नए आए हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहूंगी, मैं इस चैनल पे निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर डेली एनालिसिस वीडियो अपलोड करती हूँ और शेयर मार्केट के रिलेटेड सारी अपडेट सारी न्यूज आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सही से आती जाए। एक और इम्पॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी है, ये मैंने बहुत सारे लोगों के रिकमेंडेशन के बाद चालू किया है, आज से सिर्फ नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए यानी कि कल की एक्सपायरी के लिए है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो ये प्रीमियम ग्रुप सब्सक्रिप्शन डिटेल्स की है बात। जो मैंने 4,000 रुपीज का मंथली सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड किया था उसकी एंट्री तो मैंने क्लोज कर दी है। कल ही मैंने बोला था कि कल लास्ट डेट है, अगर आपको अप्लाई करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, कल की लास्ट डेट थी। तो आज मैंने ये जो न्यू प्रीमियम ग्रुप सब्सक्रिप्शन का 400 रुपीज ओनली का डाला हुआ है, ये सिर्फ कल के एक्सपायरी के लिए है। तो बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि कैसे हमें प्रॉफिट होगा, क्या सच में हमें 2 से 3 हजार तक का प्रॉफिट बनेगा या नहीं बनेगा, कैसे कॉल्स मिलते हैं। तो उन लोगों के डाउट्स क्लियर करने के लिए और एक्सपायरी के दिन अच्छा खासा प्रॉफिट आप बनाओ, इसलिए मैंने सिर्फ वन डे का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। सारा डिटेल ये जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन की सारी डिटेल मिल जाएगी। तो ये कल के एक्सपायरी के लिए, तो जो भी लोग कल के एक्सपायरी के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कॉल्स चाहते हैं वो ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ आपको 400 रुपया पे करना है, वो भी ये QR कोड स्कैन करके। पेमेंट हो जाने के बाद इस मेल आईडी पे स्क्रीनशॉट और अपना नंबर भेज दो, मैं आपको एक्सपायरी ग्रुप में ऐड कर दूंगी। तो ये सिर्फ कल के एक्सपायरी के लिए, रिस्पॉन्स अगर अच्छा मिलता है तो मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए कल अगर आप अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। फीस कितनी है, सिर्फ 400 रुपये और उसमें आपको 2,000 तक का प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये 400 रुपये एक दिन में कवर हो ही जाएगा। साथ में आपको आइडिया भी आएगा कि प्रीमियम ग्रुप में आपको कैसे कॉल्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको चार्ट भी मिलेगा निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। आज रात को मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स, कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट्स भी प्रोवाइड करूंगी, तो हो सके तो जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप सोचोगे कल 9:15 को मार्केट ओपन होगा तो हम लोग 9 बजे सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आपको फिर सब जो बातें हैं आज से मैं स्टार्ट करूंगी रात से बोलने के लिए वो सारे आप मिस कर जाएंगे या फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा उतना कि मार्केट के बारे में आप सोचो। तो इसमें मोटिव क्या है कि चार्ट और लेवल्स जो मैं प्रोवाइड करूंगी आज वो आपके समझने के लिए होगा कि कल के दिन आपको कैसे ट्रेड करना है, साथ में मैं आपको कॉल्स भी प्रोवाइड करूंगी, तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल ट्रेडिंग भी हो जाएगा और नॉलेज भी बिल्डअप होगा। तो ये मोटिव रहता है प्रीमियम ग्रुप का और ये वन डे के लिए ऑफर है, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा। और अगर कुछ भी डाउट रहता है तो इस मेल आईडी पे मेल कर दो, मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको पेमेंट डिटेल्स कुछ और चाहिए, जीपे के, ये जीपे के लिए है, फोन पे के लिए है, पेटीएम के लिए, आप किसी से भी ये स्कैन करके पैसे सेंड कर सकते हो। तो अभी हम लोग चालू करते हैं हमारा आज का वीडियो बैंक निफ्टी के साथ। तो मैंने क्या कहा था कल आपसे कि यहां से एक फॉल एक्सपेक्टेड है मार्केट के अंदर, क्योंकि 40,000 का लेवल निफ्टी बैंक ने टच किया था और उससे पहले भी मैंने कहा था कि 40,000 के पास एक रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक के लिए जहां से गिरावट हो सकती है, लेकिन डाउनसाइड के लिए जब तक 39,000 का लेवल निफ्टी बैंक होल्ड रख रहा है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, ज्यादा उससे ज्यादा गिरावट के चांसेस कम है, लेकिन 39,000 से लेकर 40,000 के बीच में निफ्टी बैंक रह सकता है। तो आज फिर से एक बारी सेकेंड डे पे हमें गिरावट कंटिन्यू होती हुई दिखाई दी निफ्टी बैंक के अंदर और निफ्टी बैंक जो है वो लोअर लो बनाता हुआ हमें दिख रहा है। आज निफ्टी बैंक ने 39,290
2 का लो किया था। और अभी अगर कल की बात करें तो कल के लिए एक्सपायरी है, एक्सपायरी मूव देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है, इसलिए मैंने ये आपको सब्सक्रिप्शन के लिए एक दिन के लिए डाला हुआ है, ताकि आपको एक्सपायरी के दिन कैसे ट्रेडिंग करते हैं इसके बारे में भी अंदाज़ा मिल सके। तो अभी कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, तो अभी आज देखिए निफ्टी बैंक ने 39,700 के ऊपर रेजिस्टेंस फेस किया, उससे नीचे ही रहा। प्रीवियस डे निफ्टी बैंक ने कम से कम न्यू हाई बनाया था 40,000 का, लेकिन आज तो निफ्टी बैंक 39,800 तक भी पहुंच नहीं पाया और लगातार 3 दिनों तक निफ्टी बैंक हमें बेरिश कैंडल फॉर्म करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से थोड़ा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है, कल कुछ भी हो सकता है। अगर डाउनसाइड के लिए निफ्टी बैंक 39,100 और 39,050 ब्रेक करता है, तो यहाँ से एक इंटेंस सेलिंग प्रेशर आएगा, जो निफ्टी बैंक को 38,800 एंड 38,600 तक गिरा सकता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, और ये लेवल जो मैंने अभी आपको बताया 39,100 एंड 39,050, ये लेवल अगर निफ्टी बैंक कल ब्रेक करता है तो यहाँ से एक इंटेंस सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अपसाइड की बात करें तो अपसाइड के लिए देखिए, अपसाइड के लिए 39,650-700 ये रेजिस्टेंस जोन है। अगर निफ्टी बैंक इस जोन के ऊपर 30 से 40 मिनट के लिए टिक जाता है तो ही कुछ हो सकता है अपसाइड के रैली के अंदर, निफ्टी बैंक के अंदर 40,000 फिर हम लोग फिर से देख सकते हैं। लेकिन जब तक ये लेवल पार नहीं होता है तब तक कोई चांसेस नहीं है। तो अभी अगर निफ्टी बैंक 39,000 और 39,700 के बीच में रहता है तो यहाँ पे एक रेंज बाउंड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, और फिर जाके निफ्टी बैंक हमें या तो डाउनसाइड के लिए या तो अपसाइड के लिए ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अभी अगर हम लोग बात करें निफ्टी बैंक के ऑप्शन चेन डेटा की, तो कल के एक्सपायरी का ऑप्शन चेन डेटा अगर देखें निफ्टी बैंक का, तो अभी फिलहाल 39,518 के पास क्लोजिंग है। तो कॉल साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 500 के ऊपर, अगर हम लोग देखें तो 51,000 का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में, 64,000 का पुट साइड में, 14,000 की कॉल राइटिंग हुई है और 16,900 के पुट राइट। तो डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, तो चांसेस है निफ्टी बैंक के 39,500 ब्रेक करने के। और अगर ज़्यादा टाइम तक निफ्टी बैंक 39,500-400 के नीचे रहता है तो यहाँ से अपना नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 39,000 का, ये निफ्टी बैंक टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुली ट्रेड कीजिएगा। फिलहाल पुट साइड में अगर देखें तो डाउन साइड के लिए 39,000 से लेके 39,500 के ऊपर हमें अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई दिखाई दे रही है, जो कि मार्केट को एक सपोर्ट देगी। अपसाइड की बात करें तो 40,000 के लेवल के ऊपर हाइएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है 39,500 एंड 39,600 के ऊपर। तो अभी अगर हम लोग बात करें निफ्टी बैंक की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी बैंक को यहाँ से 600-700 के ऊपर सस्टेन करना होगा, तभी यहाँ से अप मूव हमें देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर निफ्टी बैंक 500 और 400 को ब्रेक करता है तो जैसे मैंने कहा है 39,000 का सपोर्ट निफ्टी बैंक कल टेस्ट कर सकता है, क्योंकि लगातार 3 दिनों से निफ्टी बैंक न्यू लो बना रहा है और अभी 40,000 का हाई, यानी कि जो अपमूव था 40,000 तक था, वो जो निफ्टी बैंक ने पूरा कवर कर लिया है, जो हमने टारगेट बताया था वो सारा पूरा कवर कर लिया है। और 40,000 के ऊपर की बात तभी हो सकती है जब निफ्टी बैंक 40,000 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर टिक जाता है। तो यहाँ से चांसेस है थोड़े बहुत गिरावट के और कंसोलिडेशन के निफ्टी बैंक और निफ्टी के अंदर। तो अभी निफ्टी बैंक के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट जो मैंने बताया है आपको 39,480 का लेवल रहेगा, उसके बाद में 39,350 का लेवल रहेगा, 39,210 एंड 39,080।
ये सपोर्ट के लेवल्स रहेंगे निफ्टी बैंक के लिए। अपसाइड की बात करें तो अपसाइड के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 39,650 का लेवल। यहां से अगर निफ्टी बैंक अपसाइड के लिए सस्टेन कर लेता है 650 के ऊपर तो 810 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा और उसके बाद में 40,000 का लेवल। तो ये निफ्टी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स रहेंगे जो आपको आपके चार्ट के ऊपर मार्क करने हैं ताकि आपको ट्रेडिंग के वक्त डेफिनेटली हेल्पफुल हो सके। और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूंगी। तो अभी आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर देना। वीडियो अगर बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। जिनको भी ये वीडियो यूजफुल है उन सबके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना और उन सबको कहना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड केयरफुली।